पाली पुलिस ने अफीम के दूध के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दूध की कीमत 12.5 लाख रुपए है। दोनों आरोपी सरकारी बस से ओसिया में सप्लाई करने जा रहे थे, जिन्हें पाली की कोतवाली थाना पुलिस ने नया बस स्टैंड पर तलाशी के दौरान पकड़ा गया। आरोपी कितने समय से मादक पदार्थों की तस्करी का काम कर रहे थे, कहाँ कहाँ सप्लाई देने जाते थे, इसको लेकर पूछताछ जारी है। सीओ सिटी जितेंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाल किशोर सिंह भाटी के नेतृत्व में गुरुवार शाम को कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर शहर के नया बस स्टैंड पर उदयपुर से जोधपुर जाने वाली एक बस की तलाशी ली। इस दौरान बस में सवार दो युवक पुलिस को देखकर घबराने लगे। उनसे पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें करीब 2.5 किलो अफीम का दूध निकला, जिसकी बाजार कीमत करीब 12.5 लाख रुपये बताई जा रही है। इस पर अफीम का दूध जब्त कर नीमच एमपी निवासी 38 साल के दीपक पुत्र राधेश्याम प्रजापत और 20 साल के बालकिशन पुत्र लालाराम वेगर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से अफीम का दूध बरामद करने में सफलता हासिल की है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने नीमच से अफीम का दूध लाना बताया, जिससे वे जोधपुर जिले के ओसिया में सप्लाई के लिए जा रहे थे। आरोपी इससे पहले कितनी बार मादक पदार्थों की तस्करी कर चुके, इसको लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी।